सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के जल स्तर में वृद्धि से रेल पुल संख्या 1 पर पानी का दबाव बढ़ते ही रेल प्रशासन ने शनिवार सुबह से समस्तीपुर दरभंगा डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। हालांकि अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन चालू है। रेलवे के कुछ ट्रेनों को रूट डाइवर्ट कर चलाने की घोषणा की गई है तो कुछ में आंशिक बदलाव किया गया है। सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्र के अनुसार समस्तीपुर मुक्तापुर स्टेशन के मध्य पुल संख्या 1 डाउन लाइन पर बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ जाने के कारण तत्काल प्रभाव से समस्तीपुर मुक्तापुर के मध्य डाउन पर रेल परिचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है। डाउन लाइन पर रेल परिचालन स्थगित किए जाने के कारण कुछ गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है तो कुछ को रद्द भी किया गया है। वहीं कुछ का आंशिक समापन भी किया गया है। गाड़ी संख्या 05554 जयनगर भागलपुर विशेष गाड़ी 10 जुलाई को जयनगर से भागलपुर के मध्य रद्द की गई है। वहीं गाड़ी संख्या 01062 जयनगर लोकमान तिलक टर्मिनल विशेष गाड़ी को शनिवार को दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होकर चलाया गया। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 03186 जयनगर सियालदह विशेष गाड़ी दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होकर, ट्रेन संख्या 05211 दरभंगा अमृतसर विशेष गाड़ी दरभंगा सीतामढ़ी सिकटा नरकटियागंज होकर तथा गाड़ी संख्या 03044 रक्सौल हावड़ा विशेष गाड़ी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होकर शनिवार को चलाई गई है। जबकि शनिवार को ही गाड़ी संख्या 03226 राजेंद्र नगर जयनगर विशेष गाड़ी का आंशिक समापन समस्तीपुर स्टेशन पर किया गया। वहीं गाड़ी संख्या 03225 जयनगर राजेंद्र नगर विशेष गाड़ी को भी समस्तीपुर स्टेशन से ही राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया गया है।